वेलकम फ्रेंड्स। अब मैं इसको कोई भी मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर इज नो मोबिलिटी। क्या ये चिन आगे जा सकती है, टच कर सकते हैं? नो नो, देयर इज नो फॉरवर्ड फ्लेक्शन, देयर इज नो बैकवर्ड फ्लेक्शन। मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ में मिस्टर भूटिया हैं। मिस्टर भूटिया सिक्किम से हैं और मिस्टर भूटिया को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। आप सब ने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में देखा भी है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या क्या दिक्कत देता है। अब मैं आई विल आस्क मिस्टर भूटिया टू एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग यू बीन सफरिंग एंड हाउ डू यू मैनेज, व्हाट आर योर नो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ, यू नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लीड एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स हु मे बी सफरिंग विद द एंकाइलोजिंग। ओके, नमस्ते, मेरा नाम जितेन ताशी, मैं सिक्किम से हूँ और ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये मेरे को 1997 से हुआ है। इससे पहले 1994 में मेरा L4-L5 में डिस्क स्लिप हुआ था और उसका ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद ऐसे तो प्रिकॉशन लेते उसके बाद फिर 1997 में यहाँ पर रिवाड़ी में हरियाणा में एक्सीडेंट हुआ, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद तो थोड़ा बॉडी को ख्याल करके मैं चल रहा था, तो ख्याल करते करते क्या हो गया, स्टिफनेस आ गया। और स्टिफनेस आने के बाद जब मैंने डॉक्टर से सलाह मशवरा लिया तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डेवलप हुआ। ये अभी क्या है ना, सो होल माई आई थिंक होल बाटरीबा दिस बैक बोन इज बिकम लाइक बेम्बो स्पाइन एंड आई कैन मूव नाउ, माई इवन माई हेड लुक लाइक दिस, आई कैन मूव। सो एंड वेयर हैव आई नॉट ट्राइड फ्रॉम कोटकल केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टू Tibetan treatment at McLoganj, and all the Apollos I have tested, all the big AIIMS I have tested, all the hospitals I have tested. So ultimately, today I have landed here. Yeah, this is also part of the journey that you've been on. Yeah. Yeah. So, what is your experience? कि आपको इन 20-22 सालों में कोई किसी चीज से कोई relief मिला हो जो viewers जानना चाहें कि इस चीज से आपको better relief मिला या कम relief मिला? Relief in the sense, what I have experienced during this my long tenure of this, what you call this spondylosis, it's up to you only, it's up to individual. To tell you very frankly, when I wake up in the morning, I do some yogas, breathing exercise and all. So these things is keeping me all day alive. And after when, jab sham hote jaate hai, to phir थोड़ा स्टिफनेस अथवा ये पेन होगा, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन, यू नो ठंडे जगह से हो ना, इसलिए जल्दी पकड़ लेता है ये मेरा हड्डी में। यहाँ दिल्ली में आने के बाद अथवा गर्म जगह में आने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है ये, तो अभी चल रहा है ऐसा ही। तो विथ सम ईटिंग हैबिट, चेंजेस ऑफ ईटिंग हैबिट एंड आई एम लिटिल कम्फर्टेबल। द ओनली थिंग इज आई कुड मूव लंगर डिस्टेंस बिकॉज माई दिस होम हिप पोस जैम हो जाता है। दैट वे The only thing is I can't move my head left, right, up, down, and I can't, the thing is back, I can't, what you call, रीढ़ के हड्डी के कारण पेल्विस भी आपका सब जी, and I can't stand for a long time with a straight posture, you know. Right. तो आप जब अब तो आप as you told that you retired from the social work that you were doing, that you were involved in helping people in Sikkim. अब आप कोई एक्टिविटी या कोई भी प्रोफेशनल वर्क में आपको कोई दिक्कत आती है या नहीं आती आफ्टर 20 इयर्स? नो, ओनली थिंग इज लॉट ऑफ पीपल कम टू सी मी एंड आई कांट अटेंड देम इंडिविजुअल, दे आस्क मी टू अटेंड टू देयर विलेज लेवल, आई टू क्लाइम अप एंड डाउन हिल, दैट आई कांट डू। बस एक जगह बैठकर ही काम करने में कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबको तो पता ही है कि एक जेनेटिक कंडीशन होती है, इसमें कई बार फैमिली टू फैमिली ये प्रॉब्लम चलती जाती है और बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं आती कई बार कई जनरेशन तक, और अचानक से किसी जनरेशन में वो प्रॉब्लम दिखती है। जैसे कि आपके शायद पेरेंट्स को दिक्कत थी या नहीं थी?
I don't remember, but probably उनको दिक्कत नहीं थी. And I'm sure your kids also have a problem or no? No, they don't have. So ये कई बार silently आपके genetically genes में जाता रहता है. And sometime because of the environment favorable or whatever the conditions are, उससे ये trigger हो जाता है. और इसका सिर्फ एक ही drawback है कि joint की mobility बहुत ज़्यादा गिर जाती है. आपकी कोई भी mobility नहीं बचती है. जैसे मैं इनको सिर्फ हल्का सा ये move करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना भी नहीं हो रहा है. तो अगर आप सोचेंगे कि मैं एडजस्टमेंट करके क्या अचीव करूंगा, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि चिन बिल्कुल नहीं मूव कर रहा. चिन अगर मूव करेंगे तो शोल्डर ही पूरी स्पाइन ही मूव हो रही है. तो मैं वो सारे जॉइंट्स खोलूंगा जो खुल सकते हैं. अननेसेसरी इन पेशेंट्स में इस तरह से कोई भी थ्रस्ट देना, किसी भी तरह से उसको स्ट्रेस आउट करना पेन बढ़ाने वाली बात है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कोई भी ऐसा हाई वेलोसिटी थ्रस्ट ना दें या कोई भी ऐसा मैन्यूवर ना करें. तो मैंने ट्रीटमेंट पे इनके साथ में मसाज दिया है, कपिंग किया है, एक्यूपंक्चर किया है, और वीडियो के साथ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैं ये भी देखूंगा कहाँ पे कोई भी रोटेशन है या रोटेशन नहीं है, तो क्या हम थोड़ा सा भी मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं. सोच के तो सब लोग यही आते हैं कि जॉइंट खुलेगा, बट जॉइंट खुलने के लिए आपको हमें जॉइंट में स्पेस देना पड़ेगा. कि जॉइंट में कोई भी वर्टिब्रल स्पेस नहीं बची हुई है, जिसको सैक्रलाइजेशन बोलते हैं या बैम्बू स्पाइन बोलते हैं, जिसको आपने बोला. बैम्बू स्पाइन का मतलब ही यही होता है कि सारे वर्टिब्रास यू नो फ्यूज हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड कि मैं क्या कर सकता हूं. सर जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक. नाउ अगेन नाउ दिस विल नॉट टच द फ्लोर. यस आई हैव टू I've raised this, don't worry. Just push yourself up. You can rest in it. Right. Yes, thoda sa just for a second. Ab ye dekh sakte hain, this is the point. Ab main isko koi bhi move karne ki koshish kar raha hu, there is no mobility. Kya ye chin aage ja sakti hai, touch kar sakte hai? No, there is no forward flexion, there is no backward flexion, there is no sideways flexion. I can't do anything. So we will leave the neck part, dorsal हमें बताई है. Let's check the pelvic part, lower back part. सब इधर turn करेंगे. और जब sacralized neck को spine को आप hold करते हैं, उसका weight भी बहुत ज़्यादा होता है. Oh yes. अब हम ये देख सकते हैं कि इनकी कम से कम lower back bend हो रही है, knee यानी कि hip flexion काफी अच्छा हो रहा है. So I assume कि मैं इनकी lower back थोड़ा सा खोल पाऊंगा. Easy, relax. So you wanna help me do this? I know. Easy. So apply the thrust. There is no opening of the joint other side, sir. So हम ये देखेंगे कि अगले 3-4-5 session में कितने joints और खुलते हैं. नीचे लो पैर सीधा. नीचे लो पैर सीधा. Just cross your hand. Easy. Okay, nice. Sita letenge on your back. Very good. He's a very strong man. Tabhi itna kuch. Easy. Lower body mein kahi bhi koi issue nahi hai. सिर्फ इनके स्पाइन ही सैक्रलाइज्ड है. और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके स्पाइन और वेट बेयरिंग जॉइंट्स को इफेक्ट करता है. पेल्विस एंड हिप जॉइंट है. इनके हिप जॉइंट्स भी ठीक है. शोल्डर इनका रिस्ट्रिक्टेड है, लेफ्ट वाला शोल्डर रिस्ट्रिक्टेड नहीं था. अच्छा, आई कैन गेट अप सर. हाँ, सो इनका समझें कि गर्दन से लेके कमर तक का जो स्पाइन का पार्ट है जिसमें 33 वर्टिब्रा होती हैं, वो अब 33 नहीं रही. देखने में 33 दिखेंगी लेकिन वो एक बन चुकी है ऊपर से लेके नीचे तक. तो ना इनकी गर्दन आगे जाती है, ना पीछे जाती है, ना साइड में जाती है, कहीं कोई रोटेशन या कुछ नहीं है.
सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर केस में एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। कई केसेस में हमने दिखा है एनकालोजी में, जहाँ पे हम नेक ओपन कर पाते हैं, डोर्सल ओपन कर पाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बेटर कर पाते हैं। बट मिस्टर भूटिया के केस में स्पाइन पूरी सेक्टरलाइज है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम डिग आउट करके मसल्स को, टिश्यूज को रिलीज करके जितना हम बेटर फील करा सकते हैं वो हम करेंगे। और हमें ये पता है कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ना कुछ इश्यूज करेंगे ताकि इनको दिक्कत बढ़ ना जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। थैंक यू।